हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और योर मनी पिछले साल की तरह इस साल भी आपकी मदद करेगा आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके तमाम तरीकों के सवाल इशू में शामिल करने के लिए, हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए। तो अगर आप भी योर मनी की मदद चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस, तो नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और अपने इस शो को देख भी सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट के फाउंडर ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका, वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और इनफैक्ट क्वेरीज लें, उससे पहले बात करेंगे कि अगले साल का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है और कैसी परफॉर्मेंस रही है 2023 में इक्विटी वर्सेस डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। तो पहले तो बताइए ऋषभ, क्या कहता है आपका एनालिसिस, कैसे रिटर्न्स बने हैं डेट और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और 2024 किस तरफ बायस रहेगा, इक्विटी टूल्स की तरफ या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ? दीपाली जी, पहले तो नमस्कार और बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। इससे बढ़िया दिन हम नहीं चुन सकते हैं टू डिस्कस कैसे रहा 2023 और 2024 अभी कैसे रहेगा। आपको, आपके पूरी टीम को और सभी सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी में प्रार्थना कर रहा हूं मैं। हम 2023 देखे तो बहुत ही बढ़िया साल रहा है फॉर इक्विटी एंड फॉर डेट दोनों के लिए। एक्चुअली हमने देखा कि एक 18-20 महीनों के बाद एक काफी अच्छा सा रैली आया है मार्केट में। मार्केट तीनों सेगमेंट, लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, काफी बूम हुआ है 2023 में। एनीवेयर बिटवीन 20% से लेके 50% तक लार्ज, मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस ने रिटर्न्स जनरेट किए कैलेंडर ईयर में। तो ये बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न्स जनरेट हुए, बहुत ही फिनोमिनल ईयर रहा है। जो हमने 2021 में जो डेट म्यूचुअल फंड्स और डेट फिक्स डिपॉजिट्स के जो भी यील्ड्स इतने कम थे 4-5%, वो अभी 7-8% पे आ गए। सो इन अ वे 2023 बहुत ही बढ़िया साल रहा है इक्विटी और डेट दोनों के लिए। अब हम जो करंट सिचुएशन में है, हम जैसे कि मैंने कहा कि 2023 में काफी बढ़िया रैली हो चुकी है इक्विटी मार्केट्स में। सो वैल्यूएशंस भी काफी एक्सपेंसिव हो गए, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड, जब हम 2024 में आ रहे हैं और ये साल कैसे रहेगा, ऑल्दो हम एडवाइजर्स रेकमेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखे, ये जस्ट मैं एक साल का एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मगर जस्ट जो एनालिसिस के हिसाब से जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से क्या बढ़िया हो सकता है वो मैं बताने जा रहा हूं मैं। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप आप वैल्यूएशन देखे तो मिड और स्मॉल कैप से कंपेरिजन में काफी रीजनेबल चल रहे हैं। लार्ज कैप के जो वैल्यूएशन है वो 10-year एवरेज के आसपास चल रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप प्रीमियम पे ट्रेड करें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड लार्ज कैप्स हैज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। मेरे हिसाब से लार्ज कैप काफी अच्छा करेगा 2024 हमने, सॉरी 2023, 22 और 21 हमने देखा कि वैल्यू स्टाइल ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स गिरते जाएंगे मार्केट में, इकोनॉमी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ स्टाइल विल कम बैक इन एक्शन, ग्रोथ स्टाइल विल स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल। इसमें जैसे जो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिरेंगे तो साथ ही साथ डेट म्यूचुअल फंड्स भी काफी अच्छे करेंगे, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स आर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स, जो बॉन्ड यील्ड्स है और बॉन्ड प्राइसेस है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में घटते जाएंगे, और क्यों घटेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन RBI के कंफर्ट बैंड में आ चुका है, GDP 7% प्लस बढ़ चुका है। सो मेरे हिसाब से वी आर एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल, अभी इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है, तो इससे आगे अभी इंटरेस्ट रेट घटते ही जाएंगे। सो लार्ज कैप फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छे करेंगे,
बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि हाइब्रिड फंड होते हैं, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं और डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी काफी अच्छे करेंगे और ओवरऑल ग्रोथ स्टाइल विल स्टार्ट डूइंग वेल। बट अगेन मैं वापस बोल रहा हूं, मैं ये जस्ट एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तरफ से आप लीजिए, आप अपना होराइजन लॉन्ग टर्म ही रखें, लॉन्ग टर्म नजरिए से ही आप निवेश करें, थोड़े रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन थोड़े मॉडरेट रखे, पेशेंट रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने एसेट एलोकेशन को पकड़ के रखे। सो ये ओवरऑल 2023 और 2024 मुझे लग रहा है ये कैटेगरीज और ये सेगमेंट्स 2024 में अच्छे कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको बताया गया है 2024 में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरीज ऋषभ ने आपको बताई हैं। तो अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करें 2024 के लिए, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। लेकिन चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अंशु मिश्रा जमशेदपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अंशु नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ योर टीम। ओके, आपको भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मैंने 5 फंड मैंने आपको भेजे हैं और मुझे 2000 का एडिशनल SIP करना है, तो मैं कौन सा फंड में इसको करूं, नया करना या इसी में और बढ़ाऊं मैं इसको, थोड़ा इसको मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा। ओके, और जो आपने ये SIP स्टार्ट की है इसको कितना टाइम हो चुका है? ये 1 साल हो गया। ओके, तो 1 साल हो चुका है और 5000 की SIP है, 61,000 ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं और जैसे इन्होंने बताया 10 साल में 50 लाख का लक्ष्य है, 2000 एडिशनल SIP करनी है। फिलहाल 5000 के लिए 5 फंड्स ही इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, जिसमें मोतियालो ओसवाल मिड कैप, कैनरा बुको स्मॉल कैप, मेरी एसेट फोकस, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और HDFC फ्लेक्सी कैप है। बताइए पहले तो एग्जिस्टिंग फंड चॉइसेस, इनके टारगेट कितना लाइकली लग रहा है, और दूसरा 2000 जो एडिशनल करना है इनको, वो इसी फंड में करें या कोई और सजेशन? दीपाली जी, पहले तो मैं थोड़ा मैच पे आ जाता हूँ, वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनका टाइम होराइजन 10 ईयर्स का है और करीबन वो 50 लाख का वो गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो मैं मार्केट में इक्विटी में 12% CAGR रिटर्न्स में अज्यूम कर रहा हूँ फॉर 10 ईयर्स। तो उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है विच इज 61,000 प्लस जो 5,000 रुपीज की उस SIP जो कर रहे हैं, वो करीब करीबन 10 साल के बाद वो करीबन 13,50,000 के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे, वो 50 लाख रुपीज अनफॉर्चुनेटली इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें 50 लाख रुपीज अचीव करना है गोल आफ्टर 10 ईयर्स, तो SIP फ्रॉम 5,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज बढ़ानी पड़ेगी, तो ही वो गोल अचीव कर पाएंगे। पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, काफी अच्छे क्वालिटी के फंड्स है, डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो मेरे हिसाब से कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो SIP अगर इंक्रीज करना चाह रहे तो इक्वल प्रपोर्शन में वो पांचों फंड्स में करे, तो एक अच्छा सा वेल डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन रहेगा, ना कि लार्ज कैप में ज्यादा कि मिड कैप में ज्यादा क्या फिर स्मॉल कैप में। सो पांचों फंड में इक्वल प्रपोर्शन से SIP बढ़ाइए तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो सजेशन अंशु के लिए दिए गए हैं। अब बात करेंगे अरैना से, हमारे साथ कनेक्टेड है, इनफैक्ट अरैना के फादर हमारे साथ हैं उनका सवाल पूछने के लिए, क्योंकि अरैना की उम्र 14 साल है और उनके डैडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो बताइए ये पोर्टफोलियो अरैना के बिहाफ पे आपने क्रिएट किया है क्या और क्या सवाल है आपका? हाय, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी बेटी है 14 साल की अरैना दलवी, तो मैंने 2000 रुपीज पर बिलो म्यूचुअल फंड्स में डाला हूँ। पहला म्यूचुअल फंड है कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप, सेकेंड है HDFC मिड कैप, थर्ड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, फोर्थ है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और फिफ्थ है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो मुझे ये समझना है, वो 1 साल हो चुका है, 17 अक्टूबर से 2022 से मेरा SIP चालू है, तो मुझे ये समझना है कि 10 ईयर्स में इसका कॉर्पस कैसे होगा और ये फंड्स अच्छे हैं क्या उसके उसके लिए 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे। पूछ लेते हैं सर, क्या सजेशन रहेगा आपके लिए? तो 10 साल का होराइजन लेकर ये चल रहे हैं, 10,000 की SIP कर रहे हैं ये अपनी डॉटर के लिए जिसकी उम्र 14 साल है,
और 10 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे ये जानना चाहते हैं। अब इनके फंड्स मैं क्विकली आपको बता दूं तो इनके पास है मेरी एसेट का मर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा बुक ऑफ फ्लेक्सी कैप, साथ ही इन्होंने लिया हुआ है कोटक का इमर्जिंग इक्विटी और HDFC मल्टी कैप। सही में ये 2000 रुपये पर मंथ डाल रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, उनका जो 10 इयर्स का टाइम होराइजन है और मैं 12% CAGR रिटर्न्स अज्यूम कर रहा हूँ इक्विटीज में, तो उनका जो SIP चल रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ, वो करीब करीबन 23 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे 10 साल के एंड में, राइट। ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो अच्छा है, फंड्स भी अच्छे हैं, मगर उनका पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप्स में काफी हैवी है, तो मैं एक ही रिकमेंडेशन कर रहा हूं, मैं जो HDFC मल्टी कैप फंड है उसमें से रिडीम करके वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, दैट इज इट। दूसरे कोई सजेशन की जरूरत नहीं है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। एक क्योंकि वो अपनी चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, राइट, और मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ टू कंफर्टेबली बीट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है और अगर अच्छी तरीके से वेल्थ जनरेट करना है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 5-10% का ईयरली एनुअल टॉपअप करें मेरे हिसाब से, और जब भी वो 10 इयर्स के आसपास आ जाए तो करीबन 1 या 2 साल का एक बफर पीरियड रखे, और जब मार्केट अच्छे प्राइस में चल रहा हो, अच्छे वैल्यूएशन में चल रहा हो, तभी रिडीम करे, तभी उनके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न्स उनको दिखाई देंगे और रिटर्न्स अफेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो 23 लाख का कॉर्पस आप कम से कम इकट्ठा कर लेंगे 10 सालों में इस SIP से, जो 10,000 की आप कर रहे हैं, एक ही बदलाव करना है, HDFC मल्टी कैप से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में स्विच कीजिए, बाकी फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा टॉप अप करते रहें ताकि 23 लाख नहीं ज़्यादा आप एक्यूमुलेट कर सकें अपनी डॉटर के लिए। बात करेंगे अब जितेंद्र से, गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जितेंद्र, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? आपको भी मैडम शुभकामनाएं। कि जो मेरे बच्चों के लिए जो मैंने SIP स्टार्ट किए ने, वो मैंने 10% स्टेप अप से ही लिया है, और उसका विजन बहुत लॉन्ग टाइम का है, मतलब 20-30 साल का है मेरा विजन, जो स्मॉल कॉप की SIP है। और मेरी जो SIP अभी चल रही है जो 1000 की है, वो AMC SIP है, कोइन से लिया है मैंने, तो उसमें तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो बाद में जो मैंने लिए एक्सिस मिड कैप वगैरह, तो उसमें मैंने 50% से स्टेप अप किया हुआ है, तो हर साल मैं 50% उसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मेरे आप सजेशन लिए हुआ। ओके, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके सवाल पर। ऋषभ, आपने सुना इनका क्वेश्चन, और जैसे इन्होंने बताया कि इनके प्लानिंग तो है, इनका पोर्टफोलियो भी है, एक पोर्टफोलियो की डिटेल्स इन्होंने मेंशन की, मैं क्विकली एक बार फिर से मेंशन कर दूं, तो 11,000 के SIP की चल रही है, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कोनर रोबोको स्मॉल कैप, स्मॉल कैप के काफ़ी फंड्स लिए हुए हैं, प्लस HDFC मल्टी कैप और एक्सिस मिड कैप। 1,000 से लेकर 2,000 के SIP पर मंथ है, और 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, 11,000 रुपये महीना ये डाल रहे हैं, और 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस इनको एक्यूमुलेट करना है। बाकी इन्होंने बताया भी कि 10% का स्टेप अप भी कर रहे हैं 2 फंड्स में, और 2 बेटे हैं उनके लिए SIP इन्होंने शुरू की है, तो क्या सजेशन है इनकी ओवरऑल इस प्लानिंग पर? दीपाली जी, उनका पोर्टफोलियो काफी फैला हुआ है, वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, काफी फंड्स है, और प्लस उनका जो पोर्टफोलियो है काफी मिड कैप और स्मॉल कैप में हैवी है। मैं रेकमेंड करूंगा कि काफी बैलेंस अप्रोच रखें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि हर एक मार्केट कैप का अपना एक साइकिल होता है। हमने देखा 2023 में कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स काफी रैली किए हैं, राइट। सो लार्ज कैप्स ने कंपैरेटिवली उतना रैली नहीं किया है, सो मेरे हिसाब से एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखे, 5 और 6 फंड से ज्यादा उन्हें जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे ये रिकमेंडेशन है कि 20% ईच एलोकेशन वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में करे, DSP फ्लेक्सी कैप में करे, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड में करे, एक्सिस मिड कैप में करे, और कैनरा रिबेको स्मॉल कैप में करे। ये 5 फंड में 20% ईच अगर करेंगे तो अच्छे से वेल बैलेंस्ड और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उन्हें मिलेगा। उनका जो गोल है वो 1 करोड़ रुपया वो जो इकट्ठा करने जा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है प्लस SIP जो चल रहा है वो करीब करीबन 31,76,000 रुपीज वो इकट्ठा कर पा रहे हैं, अज्यूमिंग
12% returns, CAGR returns in equity. अगर उन्हें 1 crore का गोल अचीव करना है तो SIP बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 11,000 टू 45,000 रुपीज. मगर उन्होंने जो एक चीज मेंशन की है वो टॉप अप कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है. मेरे हिसाब से वो 10% एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% भी टॉप अप करेंगे तो भी वो अच्छी तरह से वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. सो आइदर वो टॉप अप कंटिन्यू रखे एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% या फिर वो SIP इंक्रीज करे टू 45,000 रुपीज तो अपने गोल को अचीव कर पा रहे. ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है. आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो ठीक करने की जरूरत है. थोड़े से चेंजेस आप कीजिए. 5 से 6 फंड ही रखिए. ज़्यादा फंड्स रखने की आपको जरूरत नहीं है. मिड कैप स्मॉल कैप्स में एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा किया है वो आप कम कीजिए. और इसीलिए जो फिलहाल आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे मौजूदा इन्वेस्टमेंट से वो 32 लाख के आसपास का रहेगा. अगर आपको 1 crore अचीव करने हैं 10 ईयर्स में तो 45,000 की SIP कीजिए. धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए अगर एक साथ भी नहीं कर सकते हैं तो. फंड कैसे होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, नोट कर लीजिए. 5 ही फंड्स रखिए. ये फंड्स आपकी स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हैं. कैनरा बैंक स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, DSU फ्लेक्सी कैप और एक्सिस मिड कैप. 20-20% ईच टोटल इन्वेस्टमेंट का इन सभी फंड्स में डालिए. 5 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने गोल को हासिल करने के लिए. चलिए, तो ये तो राय रही जितेंद्र के लिए. रुकने एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के पर कुछ और कॉलर्स के सवालों को करेंगे शामिल. ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं. तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं यो मनी. ऋषभ देसाई हैं हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए. अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को. और एक सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू. सोमनाथ ने भेजा है बिहार से. 24 साल इनकी उम्र है तो यंग इन्वेस्टर हैं. और 2 से 3 इंडेक्स फंड में निवेश करने हैं इनको. 30 से 40 साल के लिए बेस्ट फंड बताइए. तो इंडेक्स फंड को लेकर इनका सवाल है. जानना चाहते हैं इंडेक्स फंड की फ़ायदे क्या हैं अगर पोर्टफोलियो में रखें तो. और क्या ये सोच इनकी सही है 30-40 years के पर्सपेक्टिव से इंडेक्स फंड शामिल करना चाहिए. और अगर हाँ तो 2-3 नाम इनके लिए प्लीज. दीपाली जी, इंडेक्स फंड्स इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टिंग. क्योंकि इंडेक्स फंड्स बेसिकली वो जो बेंचमार्क होते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, सेंसेक्स मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, उसको सिर्फ रेप्लीकेट करता है. राइट, उनके जो स्टॉक्स है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं और जो स्टॉक्स के जो एलोकेशन भी होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. राइट, सो इंडेक्स फंड्स बेसिकली जो अंडरलाइनिंग जो बेंचमार्क होते हैं फंड्स के उसको कॉपी करते हैं, रेप्लीकेट करते हैं. दिस इज नंबर वन. नंबर टू, अगर उनका लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है 30-40 years, विच इज फिनोमिनल, मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव और पैसिव कर सकते हैं वो. अगर उन्हें एक्टिव फंड कौन से कैटेगरी में जाना, कौन सा फंड चूज करना, कौन सा AMC चूज करना, वो काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पैसिव फंड्स भी चूज करेंगे तो काफी वेल सॉर्टेड रहेंगे मेरे हिसाब से. सो उनका जो थॉट प्रोसेस है, अगर वो एक्टिव फंड सिलेक्शन में नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, कंफ्यूज हो रहे, तो पैसिव फंड्स एकदम बढ़िया रहेगा टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ. मेरे हिसाब से अगर 30-40 years का जो टाइम होराइजन है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कर सकते हैं. निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स प्लान ले सकते हैं. निफ्टी 500 जो कि जो टॉप 500 कंपनीज है अपने देश के, वो जाने के वो मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप भी जाने जाते हैं. राइट, वो निफ्टी 500 उसमें निवेश कर सकते हैं. एक मिड कैप फंड निफ्टी मिड कैप 150 इंक्लूड कर सकते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी इंक्लूड कर सकते हैं. मैं जो उनका जो प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं उनको थोड़ा सा लो रिस्क चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इक्विटी एक हाई रिस्क कैटेगरी है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है. अगर उनका लंबा टाइम होराइजन है तो चारों इंडाइसेस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और जो निफ्टी 500 जो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के नाम से भी अगर जाना जाता है, वो उसमें निवेश कर सकते हैं. इक्वल एलोकेशन रखे चारों इंडाइसेस में, चारों इंडेक्स फंड्स में. मेरे हिसाब से 30-40 years में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकेगा. ओके, चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से. आनंद कुमार सिंह हमारे साथ कनेक्टेड है. आनंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका. आनंद प्लीज अपना सवाल पूछिए.
चलिए सवाल कट, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है, सवाल ले लेते हैं इनका। 13,500 की इनकी SIP चल रही है, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो दिखाते हैं इनका, लेकर आते हैं स्क्रीन पर। मेरी एसेट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है 1,000 ईच, कैनरा रोबोको मिड कैप फंड है 1,500 ईच डाल रहे हैं। मेरी एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड में 1,000 ईच है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में 3,000 ईच और टाटा स्मॉल कैप में 2,000 पर मंथ। SBI PSU फंड में 1,000, HSBC स्मॉल कैप में 1,000, ICICI प्रोडेंशियल फ्लेक्सी कैप में 1,000, कोटक एमर्जिंग इक्विटी में 1,000। ये रहा इनका पोर्टफोलियो और 13,500 के SIP, 15 years 1 करोड़ का टारगेट। क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, अनफॉर्चुनेटली वो अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे 15 years में। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% रिटर्न्स, CAGR रिटर्न्स इक्विटी में, और करीब करीबन 63 लाख से इकट्ठा कर पा रहे। अगर उन्हें 1 करोड़ अचीव करना है तो SIP बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 12,500 टू 20,000। उनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो रिड्यूस करें। 5 या 6 फंड्स काफ़ी इनफ है टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे फॉलोइंग रिकमेंडेशंस है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 20% निवेश करे, DSP फ्लेक्सी कैप फंड में 20%, मिराया एसेट फोकस फंड में 10%, HSBC वैल्यू फंड 10%, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एक्सिस स्मॉल कैप में 20-20% रखे। तो 6 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखे, मेरे हिसाब से अच्छा स्टाइल भी बैठ रहा है वैल्यू और ग्रोथ का, और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उन्हें काफी कंसिस्टेंसी भी मिलेंगी और वेल्थ भी अच्छे तरह से वो क्रिएट कर पाएंगे। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आनंद आपके पोर्टफोलियो के लिए। फटाफट से पूछ लेते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो ऋषभ की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। ऋषभ बताइए, किन फंड चॉइसेस के साथ आप जाना चाहेंगे? दीपाली जी, मैं 2 फंड इक्विटी और 2 फंड डेट में बोलना चाह रहा हूँ। HDFC सेंसेक्स फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, और ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये 2 डेट प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 लार्ज कैप्स का अच्छा पोटेंशियल है और डेट म्यूचुअल फंड्स का भी अच्छा पोटेंशियल है। चलिए, रहे टॉप 4 फंड्स ऋषभ की ओर से। थैंक यू ऋषभ शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक बार फिर से वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।